तो दोस्तों देखिए, हम बजरंगगढ़ के मुख्य द्वार पर हैं। यहाँ से बजरंगगढ़ के किले में अंदर जाने के लिए एंट्री मिलती है। तो दोस्तों मेन गेट पर हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है दोनों तरफ, एक तरफ राजा की रानी है और एक तरफ नौकर, ऐसा मान्यता मानी जाती है। यहाँ पर राजा के साथ रानी ने धोखा कर देने के कारण रानी को इसमें जिंदा दफना दिया था और इधर उसका नौकर। हेलो दोस्तों, तो हम आए हुए हैं बजरंगगढ़। हम आपको बताने वाले हैं बजरंगगढ़ की विशेष पहचान जो आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी और यहाँ का रहस्य। तो दोस्तों बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल में और देखिए यहाँ का रहस्य, और हम आपको घुमाते हैं बजरंगगढ़। आप भले ही नहीं आए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आप वीडियो देखिए, आप वीडियो देखने में ही आपको घूमने का मजा आ जाए। तब देखिए दोस्तों, हम यहाँ से आगे जाते हुए, तो दोस्तों यहाँ हम आ चुके हैं। तो इधर का इधर ये राजा की छत्री दिख रही है सामने, आप जो देख रहे हो। और इधर जो देख रहे हो, इधर माता मंदिर है और लोग वहां घूमने के लिए आए हैं। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग। तो दोस्तों राजा के महल की ओर आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं महल के पास क्या क्या है। तो दोस्तों हम आगे जा ही रहे थे तो हम राजा के महल के समीप पहुंच चुके हैं। तो देखिए आप, आपको यहाँ से जीना दिखाई दे रहा होगा, जीना टूटा है दोस्तों। तो हम चढ़ने की कोशिश करेंगे और ऊपर पहुँचेंगे। यहाँ पर हमने चढ़ने की कोशिश की और राजा के महल के ऊपर पहुँच चुके हैं दोस्तों। तो देखिए गाइस, हमें ऊपर आ चुके हैं। तो दोस्तों ये रही राजा की छतरी, यहाँ पर राजा रहता था। और इधर काश पीछ का नज़ारा देखिए कितना। तो दोस्तों मैं आपको इस किले के निर्माण के बारे में बता दूं। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में यदुवंशी राजा ठाकुर जय नारायण प्रताप ने करवाया था। 17वीं शताब्दी में यहाँ पर राजपूत राजा और मुगलों ने आक्रमण करके इस किले पर अपना अधिकार जमा लिया, कब्जा कर लिया था। तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हो कि यह किला खंडहर बन चुका है। आने वाले समय में यह किला नष्ट हो जाएगा अगर इस पर शासन अपना ध्यान नहीं देती है तो। दोस्तों ये देखिए आप बजरंगगढ़ का किला किस तरीके से, राजा यहाँ पर शान और शौकत से रहता था, लेकिन दुश्मनों को उसकी खुशी रास नहीं आई और उसकी खुशी उससे छीन ली गई। अस्तबल, इसमें राजा के घोड़े बनते थे। वो आइए अस्तबल का नजारा। अस्तबल तो दोस्तों खाली पड़ा है, इसमें घोड़े पे ही नहीं, लगता है राजा घोड़े बेच कर सो गया। दोस्तों इस किले में हमें और घूमना था तो हम यहाँ से आगे की ओर जाते हैं। तो यहाँ का नज़ारा आप अपनी आँखों से देख ही रहे हो दोस्तों। हमें सीढ़ियों के द्वारा ऊपर पहुँच जाते हैं। ऊपर जाकर देखते हैं तो नज़ारा वैसा का वैसा ही रहता है। हम पुरानी जगह पर पहुँच जाते हैं तो हम इस पतली सी दीवार से हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे ही हम आगे गए तो यहाँ का नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इधर आए तो इधर तो और भी महल वगैरह हैं। तो दोस्तों इधर आप सामने देख रहे हो राजा का महल वगैरह होगा। राजा यहाँ पर संगीत में गाने वगैरह गाता होगा। और सामने देख रहे हो आप, यहाँ पर राजा के सिपाही वगैरह उसकी रक्षा के लिए रहते होंगे। और राजा की छतरी आप देख ही रहे हो, कितनी शानदार और अति प्रिय दिखाई लग रही है। तो राजा के यहाँ पर सैनिक सिपाही वगैरह उसकी रक्षा के लिए तैनात खड़े रहते होंगे। और यहाँ पर राजा नहाने धोने के लिए आता होगा या फिर यहाँ पर लूडो खेलता होगा गाइस। और ये दोस्तों आप आगे जाते हैं तो आगे देखते हैं कि सामने पेड़ खड़ा है। आप लोगों को इतना सिस्टम बता सक चुके हैं और देखिए, और आपको बताते हैं बहुत ही शानदार चीज है। और मेरे मामा का ऊपर चढ़ गया बेटा छोरा, ऐसे उतरते नहीं बन रही गाइस, देखिए। हेलो गाइस, मुझे छोड़कर जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, बजरंगगढ़ का भ्रमण करते हुए हम, और देखिए कितना प्यारा दृश्य आपको दिखा रहे हैं दोस्तों। दोस्तों फ्री में देख लो यार, तुम लोग खुद भी नहीं देखते इस साल। तो दोस्तों हम किले में आगे की ओर बढ़ते हैं तो आगे जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी का बहुत बड़ा विशाल मंदिर है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के प्रथम राजा थे ठाकुर जय नारायण प्रताप यदुवंशी जी। उनसे बाबा जी सपने में आकर साक्षात बातें करते थे और हमारे राजा पर बाबा की बहुत असीम कृपा थी। तो दोस्तों ऐसे ही विशाल मंदिर और
महाप्रभु के आपको दर्शन कराने वाले हैं। अगर आप भी चाहते हो बाबा हनुमान जी के दर्शन करना तो बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल द जस्ट फायर पर। तो ये मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ से जाने वाले हैं ऊपर की ओर। दोस्तों आप मंदिर की खूबसूरती का नज़ारा यहाँ की प्रकृति को देखकर लगा सकते हो, यहाँ पर कितना प्राकृतिक नेचर है। और सामने हमारे बाबा जय महाकाल। तो सामने आप देख रहे हो भक्तजन किस प्रकार बाबा के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं और बाबा के दर्शन करके अपनी आत्मा को शांति प्रदान करते हैं। तो दोस्तों हम भी जाते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए, तो आइए दोस्तों चलिए सामने। तो एक बार ज़ोर से बोलिए बजरंगबली की जय। और तो दोस्तों आप बाबा के दर्शन कर लो, ये हमने आपको दर्शन करवा दिए। जय श्री राम। दोस्तों इधर कीर्तन वगैरह चल रहा है, ये लोग कीर्तन कर रहे हैं, ये बच्चे टहल रहे हैं और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। तो जैसे ही आप बाहर की ओर जाते हो तो आप यहाँ से मंदिर से देखते हो इस किले की दीवारें दूर दूर तक फैली हुई थी। तो सामने आप देख रहे हो बहुत ही सुंदर नज़ारा है दोस्तों। बजरंगगढ़ के बजरंगबली जी का मंदिर बहुत ही शानदार है और अट्रैक्टिव है, यहाँ पर रोजाना भक्तजन आते रहते हैं। तो देखिए नजारा, बोलिए बजरंगबली की जय।